इस वक्त मौजूद हैं दिल्ली मेरठ हाईवे नेशनल हाईवे 9 पर और आपको स्थिति दिखाएं तो यहाँ पर लगातार किसान जो हैं अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं, हाईवे बंद किया हुआ है। तो स्थिति अगर फिलहाल की दिखाऊं तो एक तरफ किसान हैं और दूसरी तरफ जवान हैं, यानी कि सिक्योरिटी फोर्सेज हैं जो कि यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए है। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये गतिरोध कब तक जारी रहेगा। मेरे साथ में करम सिंह पड्डा जी हैं, भारतीय किसान यूनियन के उत्तराखंड से प्रदेश अध्यक्ष हैं। आप मीटिंगों में रहे हैं और आज भी जाने वाले हैं, क्या ऐसा आपने तय किया है जिससे समाधान निकला है, क्या सोच के जा रहे हैं मीटिंग में? ऐसा है कि हम टिकैत जी के साथ गए थे, दोनों जाने थे, गए थे वो यूपी से, था हम उत्तराखंड के थे और वहाँ पंजाब के नुमाइंदे भी आए हुए थे सब। तो वहाँ हमारी जो बातचीत हुई है उसमें हम तो पंजाब वालों के साथ जो वो निर्णय लेंगे वही हमें मंजूर है। अब वो कह रहे हैं कि 3 कानून जो है ये वापस हों, वो अड़े हुए हैं इस बात पे। अच्छा, ये अगर अड़े रहेंगे तो समाधान नहीं निकलेगा, लेकिन जो आपकी तरफ से सुझाव दिए गए 39 खामियां गिनाई गई है, सरकार उनको दूर करने के लिए तैयार है, तो फिर कितने दूर हो जाने चाहिए? वो 7 बिंदु पे तैयार हुए हैं, सरकार तैयार हुई है। अब वहाँ जाके हमें आज पता चले जाएगा, वो कहते हैं हम मशवरा करके फिर बताएंगे। यानी कि जो आपकी तरफ से सुझाव और खामियां गिनाई गई है सरकार आज उन पर आपको जवाब देगी? हाँ, जवाब देगी, जो खामियां हैं वो कहाँ तक हल करती हैं। अगर हमारी खामियां सब हल करती हैं तो वो जो पंजाब वाले निर्णय लेंगे उनके साथ हम वही करेंगे, क्योंकि पंजाब वालों ने बहुत बड़ा संघर्ष करा है, तो हमें उनकी बात माननी पड़ेगी। वो आगे हैं, हमारे भी हजारों किसान और ट्रालियां अभी आ रही हैं, अभी और आ रहे हैं, बहुत किसान आ रहे हैं यूपी से, उत्तराखंड से। मैंने फोन पंजाब करा था, वो भी कह रहे हैं पंजाब से भी ट्रालियां चल पड़ी हैं, तो किसान यहाँ बहुत इकट्ठा हो जाएगा। हम तो प्रधानमंत्री जी के आगे हाथ जोड़ते हैं, किसानों को ना परेशान करें, हमारी सरकार बनाई हुई है किसानों की, तो किसानों को क्यों नहीं समझ रही किसानों की दर्द जो सरकार हमारी। अच्छा, उनको ये नहीं दिख रहा कि ये ठंड का टाइम है, बुढ़े बच्चे सब सड़कों पे पड़े हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी को सोच लेना चाहिए और ये मसला हल कर देना चाहिए आज। अच्छा पटेल, एक तरफ सरकार है और एक तरफ किसान अड़िग है, समाधान के लिए आप क्या सोचते हैं, क्या ऐसा हो जाए कि समाधान निकल आए, गतिरोध दूर हो जाए, किसान घर चले जाए, हाईवे भी खुल जाए? देखो ऐसा है, जो हमारी मेन मांगे हैं वो मान जाएगी सरकार, तो उसके लिए हम सोचेंगे फिर। मेन क्या, जब MSP की बात करें, अनाज मंडी की बात करें, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात करें, वही जो बातें हैं, मेन बातें जो हैं जिनमें किसानों को नुकसान है वो उसको निकाल दे, उसका मसला हल कर दे, क्या बात है, गतिरोध दूर हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा फिर। अच्छा, आज आप फुल फाइनल के मुंड में जा रहे हैं, तो अगर आज आपके मनोता की बातें नहीं होती है तो जिस तरह से भारत बंद की बात भी की गई है किसानों की तरफ से, आगे क्या रुख रहेगा इस आंदोलन? आगे तो फिर ऐसे चलता रहेगा, ये बंद कहाँ होगा? ये हम तो बिल्कुल, वो मैंने पहले बताया ना, सिर पे कप्पन बांधे हुए यहाँ सब यार बैठे हैं, बहुत आगे गए, बाकी जो है वो तैयार बैठे हैं। बिल्कुल, तो किसान जो हैं वो आर पार के मूड में हैं, आज जो सरकार से बात करने जा रहे हैं फुल एंड फाइनल के मूड में हैं। इन्हें उम्मीद है कि जो इनकी सुझाव रखे गए हैं उन पर तो जो है सॉल्यूशन निकाल लिया जाए, अगर नहीं निकलता है तो एक किसानों का जो आंदोलन है ये और भी बड़े व्यापक पैमाने पर देखने को मिल सकता है। वीडियो जनपुल के साथ जितिन भाटी, टीम 9 भारतवर्ष, दिल्ली। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे